मैडम क्यों पीट रही है इतना? मैं आपसे कह चुका, आप यकीन क्यों नहीं करते कि मैं वो आदमी नहीं हूं जिसकी आपको तलाश है? डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, तगड़ तगड़। भाई बहुत तो मैं पता लगा लूंगी, वही करने के लिए बैठे हैं यहाँ हैं। फिलहाल मन ने यो बताया कि थारे बादल की कटकाट ठीका कोई और घोड़ा तो नहीं है कहीं? नहीं नहीं मैडम, मेरे बादल की कटकाठी का कोई घोड़ा नहीं है, मतलब हो ही नहीं सकता मैडम, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि बादल घोड़ा नहीं है। मतलब घोड़ा है, घोड़ा ही है, लेकिन अपने आप में एक अलग नमूना, एक यूनिक, एकदम अलग मेरे जैसा। बेहुदा डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, दगड़ दगड़। झूठ, एकदम झूठ, बकवास, असत्य, इट्स अ लाइ। जो अद्दा यहाँ पर रहा बात हुई शब्दों की, कोचिंग क्लास चलाने की जरूरत ना है, बंदा जिंदगी का विलोम शब्द कर दूंगी मैं। मैडम मैं तो बस ये कहना चाह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अगर बादल की तरह का दूसरा कोई घोड़ा नहीं है तो वो कौन सा घोड़ा था जिसपे बैठ के कटहल कुमार आया और भैया को 8 किलो कच्चा कटहल खिला के चला गया? Well, वो था दूसरा घोड़ा इसदा, जिसपे बैठ के कटहल कुमार ने मुझे नहीं छोड़ा इसदा। भैया साहब देखो, 100 बात की एक बात तो है यो कि इस लौंडे ने अपनी कंजी आंखों से थारे तबेले में तबेल। हाय हाय हाय। थारे उसमें घोड़े को जो है खड़े देखा और उसकी वो भी सुनी हिनहिनाहट। हाँ मैडम, मैंने पूरी तसल्ली कर ली थी, उसके बाद ही मैं वहां से निकला। क्या मतलब है थारा कि घोड़ा वहां खड़ा देख के बाद तू निकल गया वहां से? हाँ मैडम, फिर मैं निकल गया। आपने ही तो कहा था कि बिल्लू जा जाके अस्तबल में देख घोड़ा है कि नहीं, आपने ये तो नहीं ना कहा था कि फिर वहीं पर रुके रहना? हाय। वेल, बिल्लू के जाने के बाद कोई और तो नहीं लेकर निकला घोड़ा इसदा? हसीना है, अगर हंटर है तो मैं हूँ कोड़ा इसदा। सॉरी घोड़ा। सॉरी। ए तू सुन, मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, इस बार जरा जो है ना अपने दिमाग पे दे ले जोर और दे जवाब। थारे घोड़े बादल को थारे अलावा और भी कोई चलावे है कि नहीं? मैडम मेरे बादल को मेरे अलावा सिर्फ मेरे डैडी ही चला सकते हैं। दरअसल मैडम मुझे भी हॉर्स राइडिंग डैडी ने ही सिखाई थी। लेकिन वो तो व्हीलचेयर पे है ना? Yes! मैडम वो तो चल भी नहीं सकते, वो घोड़े की मस्तानी सवारी कैसे करेंगे? हाँ तो ऐसे तो इसने भी थी रतौंधी, कहीं ऐसा तो ना है कि जैसे इसने करा रतौंधी का नाटक वैसे इसका बापू कर रहा हो व्हील चेयर पे बैठने का नाटक। एक बार बता, थारा बापू व्हील चेयर से कब से फ्रेंडली है? मैडम लगभग 1 साल से। तो फिर आज मा ले वे। और अगर तो थारा बापू भी पकड़ा गया नाटक करते हुए तो फिर दोनों बाप बेटे बैठे हो गए इसी बेंच पे एक साथ। Oops. Ball, please. Handsome. आप हमसे कह रही हैं? मोहब्बत MBA है? Of course. Oops. तुम्हारे अलावा यहाँ हैंडसम है ही कौन? Oh, but I notice. तुम तो व्हील चेयर पे हो। मैं सोच रही थी कितना मजा आता अगर हम मिलके खेलते, खेल के मिलते, मिल मिल के खेलते, खेल खेल के मिलते। ओप्स। ये बात है। अरे भाई हम आपको बाल उठा के देंगे भी और खेलेंगे भी। ये बॉल, ये बॉल और ये बैट।
ये लो कटहल, खाओ इसे, खाओ इसे। खा रहा हूँ ना। हाँ भाई पूत के पप्पा, सूत सूत के बना दूंगी गोल गप्पा। हाय हाय सॉरी सॉरी। चल अपने मुंह से ही बाइज्जत कबूल कर ले कि तू ही हो रहा है कटहल कुमार। नहीं नहीं मैडम, कल दिन से लेके पूरी रात और रात से लेके अब तक, अरे हम बार बार तो यही कह रहे हैं ना कि हम कटहल कुमार नहीं हैं और ना ही हम बादल को लेके रातों में निकलते हैं। अच्छा तो तुम ना हो कटहल कुमार, कोई बात नहीं, इसमें क्या बात है। पर यो बात बता कि जब तू कटहल कुमार ना है, तू घूमना रहा बादल ने लेके, तो व्हील चेयर पे क्यों जो है जम रहा बिल्कुल कुल्फी की तरह से। यस डैडी, आपने ये बात मुझसे यानी अपने बेटे से भी ये छिपा के रखा कि आप चल सकते हैं, आपकी टांगे टकाटक है। डैडी शूजलेस, अंकल यूजलेस, धगड़ धगड़ कांड किया आपने और हड्डियां तोड़ी इन्होंने मेरी। अरे बेटा अब तुमको हम कैसे बताते। बात दरअसल ये है ना बेटा कि अरे अपनी वो जो धोबन है ना, अरे वही राज दुलारी, उसको हमने छेड़ दिया था। हाय क्योंकि मोहब्बत MBA है और उसका जो धोबी है ना, उसने तो कसम खा लिया था कि मैं इनके टांग तोड़ दूंगा। बस बेटा उसी से बचने के लिए हम व्हीलचेयर में आके बैठ गए ताकि उसको ये लगे कि हमारे पैर तो पहले से ही टूटे हुए हैं और फिर वो हमारे पैर को न तोड़ सके। मोहब्बत MBA है। कचर दे, तुम्हारा हाथ कचर दे, ये बिल्कुल नेता की कुर्सी समझ के बैठ ले इसी पे तू। सॉरी। तो तुम ही हो वो घोड़सवार, मेरी सास मुझे कहती है गवार। भैया वो बहुत भयानक बुजुर्ग हैं, वो जो कहती हैं सही कहती होंगी। एक्सक्यूज मी। अरे बेटा, अरे भाई जब से तुमने घोड़ा चलाना शुरू किया है ना, तब से हमने घोड़ा चलाना बंद कर दिया। मैडम 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 क्या हो गया? मैडम मुझे मेरी बीवी ने बहुत पीटा, जमीन पे घसीटा, मारा एक चाटा और बहुत जोर से डांटा। कहा भला बुरा और पकड़ लिया मेरा गला और मुझे घर से भी बाहर निकाल दिया। गधा गीतकार है। क्यों, आपने क्या पड़ोस की भाभी जी को सीटी मारी है? अबे कोई जरूरी बता रहा है इन्फॉर्मेशन तो बता ले, कोई काम की बात जो हुआ है कुछ तो, नहीं तो निकल ले यहाँ से। नहीं नहीं मैडम मैं बताता हूँ, एक्चुअली बात ये हुई कि कल रात को फिर से मैं शूटिंग से घर आ रहा था तो कटहल कुमार मिला मुझे, 5 किलो कटहल खिला दिए मैडम। और घर पे गया तो मेरी बीवी ने खाना बनाया था और मैं खा नहीं पाया, तो एज यूजुअल गधा गीतकार है। एक मिनट क्या कह रहा तू? न कल रात भी कटहल कुमार आया घोड़े पे और तैने जो है ठुसवा गया कटहल। हाँ लेकिन मैडम ये कैसे हो सकता है जबकि कल पूरी रात तो ये दोनों यहाँ लॉकअप में बंद थे। Well, इसका मतलब ये काम कर रहा है कोई और, इस मामले पे करना चाहिए गौर। सोचने वाली बात यो है कि वो कटहल कुमार किसी और ने तो ठुसवाना रहा कटहल, न इसी कोई देख के जो है चेप जावे बिल्कुल। इसका मतलब उस कटहल कुमार की इससे कोई दुश्मनी से। आ भाई पंजाबी मलिका सरावत खंबे में चढ़ना आवे तने? या खंबे पे सकता हूँ मैं चढ़ इज्दा, इश्क की खातिर दुनिया से सकता हूँ मैं लड़ इज्दा। भाई इस उम्र में परमात्मा से लड़ाओ इश्क, एक जरा सी ट्यूनिंग बनाओ है, बहुत जल्दी मुलाकात होगी उसका कुछ एक प्रिपरेशन करो। सॉरी सॉरी। खंबे पे चढ़ और इसकी टेलीफोन की वायर काट दे। हे क्यों क्यों? व्हाट व्हाई? ताकि तू लाइन मैन बन के इसके घर में घुस सके और लाइन मार सके।
लाइनमैन बन के इसके घर में घुस और तलाशी ले। ओके हाय हाय, मैं बोल रही हूँ अभी, कंटिन्यू चल रहा है। सॉरी, मन ने दिखे कि इसके घर में से ही निकलेगा कोई ना कोई सुराग। ओके बोल लिया है ना, ओके एक बार। सॉरी, यो भी बोल लिया है। वेल, यो भी बोल लिया था पहले ही। कैरी ऑन। यो तो सबसे पुराना वाला है जो इतना रिपीट हो गया, नया मांग रहे हैं लोग, ही कुछ नया बोलो। या दिस वन। चल हट। भैया चलें। और कितनी बेइज्जतियां कराओगे आप, अभी पूरा दिन बाकी है। ओ यार, जी बोलिए। जी मैं लाइन मारू हूँ। मतलब कहने का, जी मैं लाइन मैन हूँ, आपके घर का फोन डेड हो गया है। जरा उसको ठीक करना है। कहाँ है? अरे इधर है। लेकिन भैया एक बात तो बताओ, हमारा फोन डेड है क्या है? ये तुम्हें हमारे गेट के बाहर कैसे पता चल गया? कूट के धर दूंगी। मैंने ही तो काटा है। मतलब चूहा तारे काट देते ना कई बार। सॉरी भैया। कोई बात नहीं, ये टेलीफोन। एक मिनट। भाई साहब तोड़ोगे क्या? एक मिनट, दखल मत दीजिए, मैं उसे काम करने दीजिए। हाँ ठीक है, इसकी लाइनें टेलीफोन की कहाँ कहाँ तक बिछी हुई हैं? ओ दीदी, कहाँ तक बिछी हुई है? अरे मेरे से पूछ के बिछाई है क्या, कहाँ तक बिछी है? और कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, तब तक आप अपना काम कर लीजिए और मैं तलाशी भी ले लूँ। मतलब देख लूँ, तलाश लूँ तारे कहाँ कहाँ तक हैं। सिंपल चलना रसोई में, तुझे तो पता ही है मैंने आज तक ढंग का खाना बनाना तो सीखा ही ना है। यूं तो बता दे रायते में कितनी हल्दी डालूं, एक चमचा डाल दूं क्या? आ जल्दी बता। Bilo, come here, bro. La 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 la. चलो मुझे सलूट करो। मैंने ऐसा काम किया है जो कोई नहीं कर सका। भैया आपके दिमाग पे बर्रिया ने काट लिया कि मधुमक्खी ने? ये कहाँ बैठे हैं आप? मैं वहीं बैठा हूँ जहाँ मुझे बैठना चाहिए। वो अलग बात है कि मैं एक हवलदार हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो टैलेंट है ना, वो एक इंस्पेक्टर का है। तुम्हें मालूम है मैंने वो काम किया है जो मॉम भी नहीं कर सकी। वो अलग बात है कि किस्मत ने लिया है मुझे लूट इज द, वरना मॉम मारती मुझे सलूट इज द, वो करती मुझे सलाम इज द, ऐसा किया है मैंने काम इज द। सलाम साहब। Well, mom, I am sorry is the truck, car and lorry is the, मुझसे होगी भूल is the, आप मेरी माफी कीजिए कबूल is the, hey? देख लिया मैडम आपने। अब बस ले दे के इस चौकी में एक इकलौता मैं ही बचाऊ जो अपने काम पे पूरा ध्यान दे देता है और कभी कुछ भी नहीं बोलता हूँ मैं। कभी कुछ नहीं भूलता हूँ। अबे दुनिया मिसाल दे रही है थारे भुलक्कड़पने की।
गली गली जहाँ से निकलो वहाँ मजाक बन रहा है हमारा कि इनकी चौकी में एक से एक नमूने बैठे हैं। थैंक यू मैडम, मिसाल तो दे रहे हैं मैडम लोग, क्योंकि अब तो 6-8 महीने में कभी एक आध बार हो जाता है तो हो जाता है, मैं भूलता हूँ। वैसे अब मेरा इलाज हो गया है तो अब नहीं भूलता मैं बिल्कुल भी। हाँ भाई, बिग्रेड फिल्मों की जवान हीरोइन, इसको नहीं, उसको पड़ोसी के यहाँ भेजा था मैंने थारे को। कुछ मिला सुराग वगैरह? या मॉम, सुराग भी मिला है और मिला है सबूत इसदा। हसीना अगर चुड़ैल है मैं हूँ भूत इसदा। फूट लेना यार, फूट ले, राइमिंग की तेरी। वेल मॉम, कटल कुमार का नहीं बल्कि कटल कुमारी का है ये काम इसदा, जो है पड़ोसी की साली, सिंपल है जिसका नाम इसदा। ये देखिए फोटोग्राफ। ये तो मैडम अपने जीजा से वैसे ही बहुत चिढ़ती है और ये घोड़े पे भी बैठी है, इसका मतलब हो ना हो यही है कटहल कुमारी। अरे तो जा, सब बेरा है तो बाटा की बैटिंग भर क्रिसमस बुलवाओ सुसरी ने। वेल मॉम, मैंने उसकी साली को बुला लिया है यहाँ इसदा, गोपी का दीवाना है पूरा जहाँ इसदा। हाँ भाई, कोई है दीवाना इसका? Where is the girl? जा, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रबड़ी खिलाने ले जाओगे। अरे तुमसे अच्छा तो वो कल्लू केले वाला है जो मुझे रस मलाई खिलाने तो ले जाता है। हुस्न हंटर है, इश्क लव हंटर है। भाई ऐसा है, रस मलाई और रबड़ी भूल जा। क्योंकि मन ने दिखे है कि जेल की रोटी इज वेटिंग फॉर यू, वो भी विथ अचार एंड ओनियन एंड पापड़ विथ वन झापड़ एवरी मील। क्योंकि हमें पता लग गया है कि तू ही है वो जो घोड़े पे खूब सरपट आवे और अपने ही जीजा को जो है खटल ठुसवा जावे। मैं हूँ सिंपल, गाल पे पड़ता है डिंपल। ये आप क्या कह रही है मैडम? चल हट, मुझे तो घोड़ा चलाना आता ही नहीं है। सो फोटोग्राफ, तो इसमें तुम किस पे बैठी हो? डॉगी पे? ये मैडम, ये फोटो तो तब की है जब मैं चंबल यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक एमबीए और एक एमडीए, तो मैंने एमडीए चूज किया। हुस्न हंटर है, इश्क लव हंटर है। एमडीए? ओ ओ ओ, एमबीए का तो फुल फॉर्म मन ने बेरा है अपना, ये मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। हु इज एमडीए? You have any idea? Yeah. Hello. Master of Daku. Master of Daku Administration. वहाँ मैंने डाकू की पढ़ाई की। लेकिन आप वहाँ पर जाकर पूछ सकती हैं। उन लोगों ने मुझे फेल कर दिया। क्योंकि सब कुछ सीखने के बाद भी मैं घोड़ा चलाना नहीं सीख पाई। मैं हूँ सिंपल, गाल पे पड़ता है डिंपल। हुस्न हंटर है, इश्क लफंटर है। तो यो फोटो वहां खिंचवाई थी? Yes! यार हमारे तो सारे ही पपलू एक एक करके बैठ रहे हैं। बिल्लू, आज रात तू और मैं जाएंगे उस जॉकी के तबेले में। अस्तबल तबेला, चलो आज रात देख डालें घोड़ा तबेले में है कि नहीं, और अगर तो निकल जावे तो उसे कौन निकाल रहा है।